सरबरा बाजवा साहब थे ने पहली जफी ना मारी सी, फिर ये काम शुरू हुआ है और उनकी इजाजत से हुआ है, वो शामिल रहे हैं। आपको पता नहीं बिल्कुल ऐसे ही हर बंदा अपने ही अपने आप को चमकाता है और अपने दौर अपने ही दौर की बातें करता है। अब आप बैठ जाए जरा, आप बैठ जाए जरा, बैठे बात सही किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। उर्दू की दो मशहूर ज़र्बुल मिसल हैं कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है और दूसरी ये है कि पहले तोलो फिर बोलो। ये दोनों ज़र्बुल मिसल चौधरी परवेज़ लाही स्पीकर पंजाब असम्बली पर आजकल बिल्कुल फिट होती हैं, क्योंकि आजकल उन्हें पता नहीं क्या हो गया है कि वो पहले बोल जाते हैं उसके बाद सोचते हैं कि ओहो मैंने क्या कह दिया। कुछ ऐसा ही वाकया पंजाब असम्बली के सेशन में उस वक्त पेश आया जब तहरीक इंसाफ के रुकन महिंदर पाल सिंह ने कॉरिडोर का क्रेडिट इमरान खान को देना चाहा तो उस पर फौरी तौर पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही ने रद्द अमल दिया और ये साबित करने की कोशिश की कि मैं ही मैं था और मैं ही मैं हूँ और जो हमारा अदारा है अगर वो किसी के पीछे ना हो तो इस मुल्क में कोई भी काम नहीं हो सकता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने वही फैसल वाडा वाला एक बात कर दी। वो तो एक प्रोग्राम में चने बूट लेकर आ गए थे लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कहा उसके बाद तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने बड़ा रिएक्शन दिया। तो चौधरी परवेज़ इलाही ने इसके बाद यू टर्न भी लिया जब हमने ये इशू उठाया, वो आपको लास्ट में बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने क्या यू टर्न लिया। लेकिन पंजाब असम्बली में जो हुआ और चौधरी परवेज़ इलाही के जो रिमार्क्स थे वो एक दफ़ा आप वीडियो क्लिप देख लें। एक चीज़ तो क्लियर है कि करतारपुर कॉरिडोर का ऐलान जो है वो प्योरली इमरान खान साहब ने किया था। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया एक सेकंड, अब आप बैठ जाए जरा, आप बैठ जाए जरा, बैठे बात सही किया करें। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, देखे जो उन्होंने बात की थी ननकाना साहब की, बुनियाद उस वक्त जो रखी गई थी बुनियाद ननकाना साहब को ज़िला डिक्लेयर करना और वहाँ इनके चीफ मिनिस्टर आए थे, हमने कट्ठा संगे बुनियाद रखा, वहाँ सड़कें बनी और करतारपुर की सड़क जो है पहली सड़क करतारपुर की जिस पे चल के आपने आगे काम किया है वो मैंने बनाई थी, नंबर वन। नंबर दो, नहीं अभी बात नहीं ख़त्म हुई, बाजवा साहब अगर साथ न होते तो ये सारा काम नहीं हो सकता था, जो मर्जी कर लेते आप, ऐसे ऐसे खाम कह दिया था आपने। मैं आपको बात बताऊँ, जो किसी का क्रेडिट है, बात सुनो, जो किसी का क्रेडिट है, मैं आपको तारीख, आप पहली दफ़ा मेंबर बने अब तारीख सुन लें, मुशर्रफ साहब चले गए हैं, गए हुए उनको 20 साल हो गए हैं, लेकिन अगर मुशर्रफ साहब मेरी सपोर्ट ना करते तो मैं भी ना बना सकता। इसी तरह जब तक हमारा अदारा साथ नहीं होता हम ये काम नहीं कर सकते और उसके सरबराह बाजवा साहब थे ने पहली जफी ना मारी सी, फिर ये काम शुरू हुआ है और उनकी इजाजत से हुआ है, वो शामिल रहे हैं। आपको पता नहीं कोई 10 विजिट उन्होंने खुद किए हैं एज ए आर्मी चीफ जब वो बन रहा था, आपको पता है। अब बैठ जाए फिर, जो पता ना हो तो बात नहीं करते, बात बैठ जाए जी। ये वीडियो क्लिप आपने देखा और इसमें कहीं भी चौधरी परवेज इलाही के मुंह से इमरान खान वज़ीर आज़म का लफ्ज़ नहीं निकला और ना वो दिखाई दिए। उनके तासुरात तो ऐसे थे कि जनरल बाजवा इसके पीछे थे, अगर उनकी जफ्फी ना होती तो शायद करतारपुर कॉरिडोर
ना खुल पाता, लेकिन उन्होंने इमरान खान का जिक्र इस पूरे क्लिप और नहीं किया। लेकिन जब हमने ये इशू उठाया और पीटीआई की डाई हार्टेड चंद खवातीन रुकने पंजाब असम्बली हैं जिन्हें इमरान खान के वीजन पर और उनकी लीडरशिप पर अब भी यकीन है और वो ये समझती हैं कि इमरान खान इन बहरानों से मुल्क को निकाल लेंगे और ये करतारपुर कॉरिडोर का जो क्रेडिट है वो ना सिर्फ अदारों बल्कि वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है क्योंकि उनका विजन था और उन्होंने इस सिलसिले में स्टैंड लिया। उन खवातीन ने चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से क्या बात की और खवातीन ने क्या रिएक्शन दिया और चौधरी परवेज़ इलाही को भी एक प्रेशर ग्रुप करार दिया और ये कहा कि ये जो स्पीकरशिप उन्हें मिली है पंजाब असम्बली की ये भी पीटीआई की महरून मिन्नत है और इंसान को पुरानी बातें जो है वो भूल जानी चाहिए। पीटीआई की खवातीन के भी आप क्लिप देख लें, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही ने बाद में क्या यूटर्न लिया। हर बंदा अपने ही अपने आप को चमकाता है और अपने ही दौर की बातें करता है। यहाँ की सियासत का गेम यही होता है। अब आप कैसे समझ सकते जनरल बाजवा बिहाफ पे जनरल बाजवा बैक पे थे लेकिन उसके फ्रंट के ऊपर इमरान खान साहब थे और अल्लाह ने इज्जत अगर दी है तो वो खान साहब को दी है। बेशक बैक पे जनरल बाजवा थे, स्पीकर ने कहा सारा क्रेडिट इमरान खान को जाता है और इमरान खान के दौर में ये करतारपुर का खुला है और इमरान खान ने स्पीच किया करतारपुर के उस फंक्शन के। तो चौधरी परवेज़ इलाही सड़क का नाम भी ना लेते तो कोई इनके असर कम नहीं। मैं तो समझती हूँ कि उनको नाम नहीं लेना चाहिए था इस बात पिछली बातों को उनको यहाँ पे रिपीट नहीं। हर कोई अपनी ही गवर्नमेंट को अपने दौर को ही मैम कहीं ऐसा तो नहीं है अपने आप को बबर शेर कहलाने का चक्कर हो अपनी बाबा बल्ले बल्ले कराने का। बिल्कुल ऐसा ही है, हर बंदा अपने ही अपने आप को चमकाता है और अपने ही दौर की बातें करता है। तो ठीक है उन्होंने जो कर दिया वो उनकी समझ के मुताबिक। स्पीकरशिप तो पीटीआई की वजह से मिली है। हाँ तो मिली है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत इज्जत है उनको इस बात और उनको इस बात को देखना चाहिए, इस सब रिस्पेक्ट समझना चाहिए। दोनों वीडियो क्लिप आपने देख लिए, अब आते हैं चौधरी परवेज़ इलाही के यू टर्न की जानिब। वैसे तो इमरान खान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत यू टर्न लेते हैं लेकिन आजकल चौधरी परवेज़ इलाही भी यू टर्न ले रहे हैं जब से उन्हें ये यकीन हो चला है कि इमरान खान अब चौधरी बरादरान का प्रेशर किसी भी मामले पर कबूल नहीं करेंगे। तो जो ही ये इशू हमने हाईलाइट किया कि यार ये स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही को क्या हुआ है, अगर महिंदर पाल सिंह ने कोई बात कर दी है तो उसे जाने देते, आला जरफी का मुजाहरा करते, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें टोका। और जब पीटीआई की खवातीन और रुकने पंजाब असम्बली ने इस हवाले से कुछ रिएक्शन दिया और हमें ये जो क्लिप हमने आपको सुना ये इशू हाईलाइट हुआ तो उसके फौरी बाद चौधरी परवेज़ इलाही के सोशल मीडिया सेल की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई। जो पूरी स्टेटमेंट थी उसमें वही टिकर्स थे, वही खबर थी जो चौधरी परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली के ऐवान में बोला रिमार्क्स, लेकिन उसके ऊपर पहला जो टिकर था या उसे हम अपनी न्यूज़ में कहते हैं जो इंट्रो था वो बदल दिया कि करतारपुर राहदारी का जो क्रेडिट है वो वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाता है। लेकिन ये बात तो उन्होंने की नहीं थी बल्कि उन्होंने तो बोल दिया था और बोलने के बाद सोचा था ओहो मैंने क्या कह दिया और ये कहीं बात उल्टी ही ना पड़ जाए, क्योंकि फैसल वाडा ने तो एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, इन्होंने तो ऐवान में और हमारी सिख बरादरी वहाँ पर बैठी हुई थी क्योंकि उस दिन सरदार रमेश पाल सिंह भी अपने अहदे का हल्फ उठाए बतौर रुकने पंजाब असम्बली हल्फ उठाने आए थे जो नून लीग की जानिब से मुंतखब हुए और पंजाब असम्बली में एक तारीख भी रकम हुई थी कि दो सिख पहली बार पंजाब असम्बली के रुकन बने हैं। है जो मैंने दूसरी ज़रबुल मिस्क का जिक्र किया था कि पहले तोलो फिर बोलो तो वो तो बात हो गई, लेकिन सलीम काशिद पंजाबी के बड़े मशहूर शायर हैं और उनका ये शेर बहुत मशहूर है और बिल्कुल फिट साबित होता है कि जो बोल ज़बानों निकल गया सो तीर कमानों निकल गया। अब चौधरी परवेज़ इलाही जितनी मर्जी वजाहतें दें उन्होंने जो बोलना था वो बोल दिया, लेकिन एक बात तय है कि वो जितना मर्जी प्रेशर डाल लें इमरान खान पर, इमरान खान ने अपने करीबी हलकों में
कह दिया है कि अब इनका किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि पंजाब असेंबली के ऐवान में चौधरी परवेज़ लाही के तेवर बदले बदले से नज़र आते हैं। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल इनसाइड स्टोरी सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और याद से बेल आइकान भी दबाइएगा। खुदा हाफिज़।